जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। मूवी की शुरुआत होते ही हम कुछ फ्रेंड्स को एक ग्रुप चैटिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें अथीना नाम की लेडी अपने दोस्तों को बता रही थी कि हंट यानी कि शिकार की डेट नजदीक आ रही है और ये कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो कि बहुत ही खतरनाक थी, जिसमें कुछ लोगों की मरने की बातें हो रही थी। और फिर हम एक सीक्रेट लोकेशन को भी देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे और ये वही थीना के ग्रुप वाले लोग थे। तभी अचानक वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बहुत नर्वस था और डरा हुआ भी था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ पर है और वो यहाँ पर कैसे आया। दूसरा आदमी आकर उसे शांत करवाता है और उसे जमीन पर लेटने को कहता है और फिर वो उसके गले में एक पेन घुसा देता है। उस आदमी का खून बहुत बह रहा था और वो आदमी फिर भी खुद को बचाने के लिए उसके सिर पर पास में पड़ी एक बोतल को दे मारता है। फिर इस शोर को सुनके खुद एथीना वहाँ पर आती है और वो उसके सैंडल की हील्स को उस आदमी की आंख में घुसा देती है। वो आदमी वहीं पर मर जाता है और अथीना उस सैंडल को निकालती है जिसमें उस आदमी की आई बॉल फंसी हुई थी। सीन यहीं पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में एक लड़की एक जंगल में थी, उसके मुंह पर बेल्ट बंधा हुआ था और वो देखती है कि वहाँ पर उसके ही जैसे कई और लोग भी हैं और वो सभी कैद हैं। जंगल के बीच एक खाली मैदान था जिसमें एक बड़ा सा बॉक्स भी था। फिर एक आदमी उस बॉक्स को खोल देता है जिसमें से एक छोटा सा पिक बाहर आता है और फिर उस बॉक्स में से बहुत सारे वेपन्स भी बाहर आते हैं। इस लड़की को पास ही से एक चाबी मिलती है जिससे कि वो इस आदमी के मुंह का गैग और सभी के बेल्ट खोल देती है और तभी कोई कंटिन्यू गोली चला रहा था और इस गोलीबारी में ये लड़की यहीं पर शहीद हो जाती है। ये गोली और कोई नहीं बल्कि एथीना के ग्रुप के मेंबर चला रहे थे और कैद किए गए लोगों में एक को पता चल गया था कि फायरिंग दूर से हो रही है। कैदियों में से एक लड़की भागने की कोशिश करती है और वो मैदान में बने एक ट्रैप में गिर गई थी। इस ट्रैप में नुकीले स्पाइक्स थे जो कि उसके शरीर में धंस गए थे। ये आदमी इसे निकाल कर जंगल में भाग रहा था और सडनली वो एक और ट्रैप पर पैर रख देता है जिससे कि एक ब्लास्ट होता है जिसमें ये आदमी तो बच जाता है लेकिन ये लड़की सीधा उसी ट्रैप में गिर गई थी। दूसरा आदमी इसे बचाने के लिए यहाँ पर आता है लेकिन अब इस लड़की के शरीर का निचला पार्ट ब्लास्ट में उड़ गया था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दर्द से बचने के लिए ये लड़की इस आदमी से गन लेती है और खुद को गोली मार लेती है। ये आदमी अब एक जंगल की ओर भागता है जहाँ पर वो 3 और लोगों से मिलता है। ये सब यहाँ पर ये भी देखते हैं कि ये पूरा जंगल बड़ी बड़ी बाउंड्रियों से घिरा हुआ है। फिर ये सभी लोग जैसे तैसे इन वायर से खुद को निकालने में कामयाब होते हैं लेकिन एक बुढ़ा आदमी बीच में फंस जाता है और उसे हंटर्स अपने तीरों से दाग देते हैं। ये ओल्ड मैन अपनी गन लेकर तीरों की दिशा में बढ़ रहा था ताकि वो उन लोगों को शूट कर सके लेकिन उस पर और भी ज्यादा तीर बरस पड़ते हैं और तो और 2 बॉम्ब भी उसके चेहरे के पास आकर गिरते हैं और ब्लास्ट से वो भी मर गया था। बचे हुए 3 लोग पास की एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर एक लेडी और उसका हस्बैंड था। ये सभी सर्वाइवर शॉपकीपर से बड़े गंदे तरीके से बातें करते हैं और फीमेल सर्वाइवर उनका बस खाने का सामान उठाकर खाने लगी थी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये भी एक ट्रैप ही है। जो भी खाना उस लड़की ने खाया था उसमें जहर था और वो वहीं पर मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि शॉपकीपर्स ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे हैं और वो एक जहरीली गैस को पूरे स्टोर में फैला देते हैं और बचे हुए 2 सर्वाइवर को भी ये शॉपकीपर्स मार डालते हैं और असल में ये शॉपकीपर भी एथीना के ही ग्रुप के मेंबर थे। अब ये इस स्टोर से मरे हुए लोगों के खून को साफ करते हैं और बॉडी को भी छुपा देते हैं और स्टोर को ऐसा बना देते हैं जैसे कि वहाँ पर पहले कुछ हुआ ही ना हो और वो अपने नए शिकार के लिए अब फिर से तैयार थे। कुछ देर के बाद में इस शॉप में क्रिस्टल आती है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर थी। क्रिस्टल भी बाकी लोगों की तरह प्रिजनर थी, वो भी इस ट्रैप में फंसी हुई थी। वो इन शॉपकीपर से उनकी लोकेशन पूछती है और उन्हें कुछ पैसे देकर सिगरेट खरीदती है। जब वो चेंज वापस लेती है तो उसे उन शॉपकीपर्स पर डाउट होता है और वो उन शॉपकीपर को शूट कर देती है और फिर शॉप से बाहर आने पर क्रिस्टल एक ट्रक की नंबर प्लेट हटाती है जिसके पीछे एक और नंबर प्लेट थी, जिससे उसको पता लग गया था कि इन शॉपकीपर्स ने जो लोकेशन उसे बताई है वो बिल्कुल गलत थी और वो नहीं जानती थी कि आखिरकार वो कहाँ पर है। उसे उस ट्रक के पास से एक पतला सा वायर दिखाई पड़ता है जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड था, जिसे वो देख लेती है और वहाँ पर अब एक गैरी नाम का आदमी भी आता है। गैरी को क्रिस्टल वार्न करती है कि ट्रक से दूर रहे क्योंकि उसमें बॉम्ब है। फिर वो दोनों ट्रेन की पटरियों के रास्ते आगे बढ़ रहे थे और पीछे से एक ट्रेन आ जाती है जिसमें क्रिस्टल जल्दी से चढ़ जाती है और गैरी को भी वो पकड़कर खींच लेती है। इस ट्रेन में और भी कई लोग थे जो कि रेफ्यूजीज थे और गैरी का कहना था कि ये लोग बस उन्हें यहाँ पर भटकाने के लिए आए हुए हैं, इसीलिए क्रिस्टल को इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर जैसे तैसे वो कुछ दूर तक आते हैं और उस ट्रेन को कुछ सोल्जर्स के द्वारा रोक लिया जाता है। गैरी उन सोल्जर्स को भी समझाने की कोशिश करता है कि ये रेफ्यूजीज फेक है
लेकिन गैरी की बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। और फिर उन रेफ्यूजीज में से एक गैरी से इंग्लिश में बातें करता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। वो आदमी ये भी बताता है कि सभी रेफ्यूजीज और सोल्जर्स असली हैं, सिर्फ उसे छोड़ के। असल में वो एक एक्टर है जिसे इन हंटर्स ने हायर किया हुआ था। और इस आदमी की बातों को सुनकर गैरी बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो अपने पास से एक बॉम्ब को निकालकर उस आदमी की पेंट में डाल देता है। ये आदमी इस बॉम्ब को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ये बॉम्ब फट जाता है और साथ ही साथ ये आदमी भी मारा जाता है। अब क्रिस्टल को सोल्जर्स के द्वारा कैंप में लाया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। और ये आदमी पहले उसी की तरह एक कैदी था, जो जैसे तैसे वहाँ से बचने में कामयाब हुआ था। फिर दोनों को एक आदमी अपनी कार में बैठाकर कहीं पर ले जा रहा था, और ये आदमी उन हंटर की तारीफ पूरे रास्ते पर कर रहा था, जिसे सुनकर क्रिस्टल को थोड़ा डाउट होता है और उस आदमी को कार से किक मारकर निकाल देती है। क्रिस्टल फिर उस कार को खुद ड्राइव करके उस आदमी के सिर पर चढ़ा देती है, जिससे कि वो आदमी भी मारा जाता है। क्रिस्टल के साथ बैठा हुआ दूसरा आदमी क्रिस्टल को बहुत चिल्लाता है, क्योंकि वही आदमी था जो कि उन्हें यहाँ से ले जा सकता था, लेकिन क्रिस्टल ने अब उसे भी मार डाला है। वे जब कार की डिक्की खोलते हैं तो गैरी की डेड बॉडी थी, जिसे इस सूट वाले आदमी ने मारा था, और ये क्रिस्टल और दूसरे सर्वाइवर को भी मारने वाला था। सर्वाइवर क्रिस्टल को कहता है कि जो भी कैदी यहाँ पर आए थे सभी के सभी मारे गए हैं और सिर्फ वे दोनों ही बचे हुए हैं। लेकिन क्रिस्टल को सिर्फ यहाँ से निकलना नहीं था, बल्कि उसे उन लोगों को भी मारना था जिन्होंने उन्हें यहाँ पर कैद किया हुआ है। वो उस आदमी को कछुए और खरगोश की कहानी सुनाती है और कहती है कि हमेशा अंत वैसा नहीं होता जैसे कि शुरुआत होती है। फिर सीन कट होता है और हम फिर उसी ग्राउंड को देखते हैं जहां पर नए कैदियों को लाया जाता है। वहां के सीक्रेट लोकेशन पर हंटर्स भी मौजूद थे, जहां पर ट्रेनर के द्वारा उन्हें हंटर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और एथिना उनकी लीडर थी। यहां पर क्रिस्टल उस आदमी के साथ में मिलकर एक छोटे से पिक को पकड़कर उस सीक्रेट लोकेशन के पास छोड़ देती है, ताकि हंटर्स का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, और पीछे से क्रिस्टल आकर उन हंटर्स को शूट करना शुरू कर देती है। वो एक एक करके सभी को मारती है, लेकिन ट्रेनर अभी भी जिंदा था और वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है। उन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और इन द एंड क्रिस्टल उस ट्रेनर को मारने में भी कामयाब होती है। फिर उस आदमी के पास में एथिना का मैसेज आता है, जिसमें वो कहती है कि क्या उसने क्रिस्टल को अभी तक मारा है या नहीं, और असल में वो बस उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, जिससे कि क्रिस्टल को उस पर शक हो। और फिर क्रिस्टल उस आदमी को बोलने का मौका दिए बिना ही मार डालती है। और मरते मरते वो आदमी क्रिस्टल से कहता है कि एथिना झूठ बोल रही है, उसने कभी भी उसको मारने की कोशिश नहीं की। जिसके बाद में क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है, जो कि अभी भी थोड़ा थोड़ा हिल डुल रहा था। क्रिस्टल उससे एथिना की लोकेशन पूछती है और उस ट्रेनर को भी वहीं पर खत्म कर देती है। फिर सीन यहीं पर कट होता है और अब अगले एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी हंटर्स बता रहे थे कि क्यों उन्हें हंटर बनना पड़ा और क्यों इन्होंने ये सब किया। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था कि एथिना अपने दोस्तों से चैट पर बातें कर रही थी, जिसमें वो इंसान के हंट की बातें कर रहे थे, जो कि असल में उसका एक प्रैंक था। लेकिन क्रिस्टल और उसके साथ के 11 लोगों ने उस चैट को लीक कर दिया था, और उस कारण से एथिना और उसके सभी दोस्तों की नौकरियां चली गई थी। और इसीलिए इन्होंने इस हंट को पहले बस फन के लिए किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रिवेंज लिया, और इसीलिए उन्होंने पहले उन लोगों को पकड़ा जो कि इस हरकत में शामिल थे। फिर क्रिस्टल एथिना की लोकेशन पर आती है, जहाँ पर एथिना खाना बना रही थी। एथिना क्रिस्टल से कहती है कि वो उसके और उसकी पूरी फैमिली के बारे में जानती है, उसने उसकी फैमिली का मजाक उड़ाया। फिर क्रिस्टल कहती है कि वो क्रिस्टल तो है, लेकिन दूसरी क्रिस्टल है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। और फिर क्रिस्टल एथिना के पेट में चाकू घुसा देती है। एथिना अब जमीन पर पड़ी थी और उसके पास में एक रैबिट दिखता है, जो कि उस कछुए और रैबिट वाली स्टोरी को पूरा करता है। क्रिस्टल फिर उठकर एथिना का बनाया हुआ खाना खाती है और एथिना के कपड़े पहनकर उसके कुत्ते के साथ में एक प्राइवेट जेट से चली जाती है, और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में सब कुछ क्लियर था और जो कुछ भी सस्पेंस था वो इस मूवी के एंड में खुल ही जाता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी देखने को मिले।